राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत सत्ता स्थापनेच्या तयारीत असलेल्या शिवसेनेला एनडीएतून बाहेर काढण्यात आल्याची घोषणा भाजपनं रविवारी केली. विशेष म्हणजे शिवसेनेच्या खासदारांची बसण्याची जागाही विरोधी बाकांवर करण्यात आली आहे. भाजपकडून करण्यात आलेल्या घोषणेला शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी एनडीएच्या स्थापनेची हकीकत सांगत खरमरीत उत्तर दिलंय. एनडीएच्या नावावर टिवट्यू करणारे त्यावेळी गोधडीत रांगतही नव्हते अशी टीका राऊतांनी केली आहे. मुख्यमंत्री पदावर चर्चा करायला नकार दिल्यानंतर शिवसेनेनं राज्यात भाजपपासून दूर जाण्याचा मार्ग निवडला. शिवसेनेच्या या पावलामुळे 105 आमदार असूनही भाजपला सत्तेपासून वंचित राहावं लागलंय. तर शिवसेनेनं राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीनं बोलणी सुरू केली आहे. त्यानंतर भाजपनं शिवसेना एनडीएत नसल्याची घोषणा रविवारी केली आहे. भाजपकडून करण्यात आलेल्या घोषणेचा खासदार संजय राऊत यांनी चांगलाच समाचार घेतलाय. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी खासदार संजय राऊत दिल्लीत दाखल झालेत. यावेळी शिवसेना एनडीएचा संस्थापक घटक पक्ष आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे एनडीएचे संस्थापक होते. एनडीएच्या नावानं टिवट्यू करणारे ज्यावेळी एनडीए स्थापन झाली तेव्हा गोधडीत रांगतही नव्हते अशी बोचरी टीका राऊत यांनी केली आहे. लोक बचे थे उसमें से शिवसेना थी, हमने एनडीए बचा के रखा. हमने एनडीए बचा के रखा, इतने हालत आ गए, कितने मोह के प्रसंग आ गए, लेकिन हमने एनडीए को टूटने नहीं दिया, हमने बीजेपी को छोड़ा नहीं. लेकिन आज किसी को लगता हम भगवान है और हम सब कुछ कर सकते हैं और शिवसेना को एनडीए से बाहर निकालने की आप बात करते हो तो मैं कहूँगा आप भगवान नहीं हो. दिल्ली हो या देश की सत्ता हो, कोई अमर पट्टा लेकर यहाँ नहीं आता है. समझने की कोशिश करनी चाहिए. दिल्ली में बड़े बड़े बादशाह आए और चले गए, लेकिन इस देश का लोकतंत्र कायम है. जनता सबसे बड़ा भगवान है. अपने आप को भगवान समझने की कोशिश किसी ने नहीं करनी चाहिए. राजनीति में शब्द का महत्व होता है, वचन का महत्व होता है. ये देश का संस्कार है, ये देश की संस्कृति है. और आज हमें आप लोग हमें एनडीए से बाहर निकालने की बात करते हो. एनडीए किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हम एनडीए बनाने वाले में से है. किसको पूछा एनडीए के बारे में ये निकालने का फैसला किसने लिया है? अगर एनडीए है तो आप हमें बताइए एनडीए के प्रमुख कौन है, एनडीए के कन्वीनर कौन है. जॉर्ज साहब थे उस वक्त, सभी से बातचीत करते थे, निर्णय लेते थे. आज लिया निर्णय, एक प्रमुख पार्टी शिवसेना हमेशा आपके साथ रही, उसको बाहर निकालने की भाषा कोई एक जूनियर आदमी करता है. जब एनडीए बनी थी अब उसका जन्म भी नहीं हुआ था. क्या बादल साहब को पूछा आपने, प्रकाश सिंह बादल साहब को, कि शिवसेना के बारे में हम ये निर्णय ले रहे? क्या नीतीश कुमार जी को पूछा आपने कि हम ये निर्णय लेने जा रहे? क्या शिवसेना को कोई खत लेटर चिट्ठी भेजा है आपने कि आपके बारे में निर्णय लेने जा रहा है? क्या आपके मन में आया, हाँ, अपने आप को भगवान समझते हो?